सो हे व्यूवर्स, व्हाट्स हैपनिंग। आई एम योर होस्ट उज्जवल एंड आज हम लोग बहुत दिन बाद वापस आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के एक न्यू वीडियो में। एंड आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट में फर्स्ट एसएमपी। ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। मैं आपको हमारे 2 या 3 हफ्ते का पूरा स्टोरी दिखाने वाला हूँ एंड मेरे वॉइस में तो चेंजेस, उसको इग्नोर करना। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग अपने पहले हफ्ते में हम लोग निकल जाते हैं गाइस अपने पुराने वाले बेस से दूर, क्योंकि हम लोग को गाइस एक 1.20 अपडेट में अपडेट किया था, तो हम लोग एक्सप्लोर करना था। देन हम लोग को तो एक प्लेजर आउटपोस्ट मिलता है जहाँ थोड़ा बहुत था। हम लोग, मेरे को लगा था ट्रिम प्लेजर आउटपोस्ट में मिलता है, बट प्लेजर आउटपोस्ट में कोई ट्रिम नहीं था वैसे वहाँ पर। एंड देन गाइस प्लेजर आउटपोस्ट में थोड़ा बहुत लूट करने के बाद मनन भाई और मैं निकलने का सोचते हैं। एंड हम लोग थोड़े दूर आने के बाद हम लोग बहुत दूर आ जाते हैं, लगभग अपने वाले विलेज से 2-3 हज़ार ब्लॉक दूर आने के बाद ना हम लोग अपने लिए एक अच्छा सा एरिया मिल जाता है जहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक सके और आसपास के एरिया एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि हम लोग को पास ही में जंगल बायोम मिला था। एंड हम लोग वहाँ पर अपने लिए एक छोटा सा बेस भी बना लेते हैं ताकि हम लोग मर भी जाए तो रिस्पॉन हो जाए। वैसे मरने का चांस तो बहुत कम है, बट कभी कभार नेटवर्क की वजह से भी डूब के भी मर जाते हैं। डेट्स वे वहाँ हम लोगों ने कुछ कुछ रॉकेट भी क्राफ्ट किया एंड सल्कर बॉक्स भी लगा दिया। देन गाइस वहाँ से थोड़ी देर बाद हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट पास वाले ओशियन मॉन्यूमेंट में, क्योंकि मेरे को पता चला था कि ओशियन मॉन्यूमेंट में एल्टर गार्डियन को मारने से वो लोग ट्रिम ड्रॉप करते हैं। सो डेट्स वे हम लोग वहाँ आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत देर ढूंढे भाई, हम लोग लगभग 10-15 मिनट ढूंढे, क्योंकि हम लोग का पोषण भी ख़त्म हो रहा था तो हम लोग को मिल नहीं रहा था। तो मैंने तो सोचा था जाएंगे, लेकिन मनन भाई को मिल गया था एल्डर गार्डियन, तो हम लोग ने मनन भाई ने एल्डर गार्डियन को मारा और ये वाला ट्रिप लाया। उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, वो अलग बात है, बट मनन भाई ने एक एल्डर गार्डियन को मार के लाया है एंड दूसरा एल्डर गार्डियन को हम लोग मार नहीं पाए थे। देन गाइस हम लोग चले जाते हैं अपने पीछे वाले जंगल वायोम में, क्योंकि मनन भाई को यहाँ पर एक जंगल पिरामिड मिला था आसपास जब वो इधर आ रहे थे, तो मैं पता नहीं, मेरे को नहीं दिखा था। एंड जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं गाइस, तो ये है जंगल पिरामिड जो कि एक अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब इसमें कोई आया नहीं अब तक। वेल, कोई आएगा भी नहीं क्योंकि हम ही लोग आए अभी तो इधर। एंड अब इसके अंदर हम लोग जब गए तो वहाँ कुछ कुछ कहीं कहीं ट्रैप लगे थे जो कि एकदम सस्ते ट्रैप थे, जिससे मैं ऐसे ही बच गया। एंड चेस्ट में मेरे को एक ट्रिप दो ट्रिप मिल जाते हैं भाई। एंड मेरे को याद आता है कि यहाँ पर कुछ सीक्रेट चेस्ट भी रहता है कहीं पर, तो मैं उसको भी चेकआउट करने चले जाता हूँ। वहाँ कुछ लीवर का कॉम्बिनेशन करने का रहता था जो मेरे को समझ आया, मैं फिर भी कर दिया, लेकिन फिर भी साउंड आ ही रहा था उसका। सो मैं ढूंढा बट फिर भी मेरे को मिल भी नहीं रहा था भाई वो कहाँ रखा था। तो मैं जाता हूँ डायरेक्ट ऊपर की ओर इस बार, और थोड़ा आसपास देखता हूँ कि कुछ सीक्रेट रास्ता वास्ता खुला है कि नहीं, बट कुछ नहीं खुला था। देन मैं डायरेक्ट नीचे खोद देता हूँ बता। एंड क्योंकि लीवर के पीछे था तो फिर मैं यहाँ पर मुझे एक चेस्ट भी मिलता है जिसके अंदर 2 और वैक्स वाइल्ड आर्मर ट्री मिल जाते हैं, जिसको मैं 2 अपने पास रखता हूँ एंड 2 मनन भाई को दे देता हूँ। एंड उसको हम लोग अपने सर्कल बॉक्स में स्टोर कर देते हैं। एंड गाइस कुछ दिन बाद गाइस हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं एंड बहुत दूर अपने पुराने वाले विलेज से बहुत दूर आने के बाद हम लोग को मिल जाता है एक विलेज जो कि एक सवाना विलेज था। आई आप लोग में से बहुत लोगों को पसंद नहीं होगा, बट गाइस लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को तो अच्छा ही लगा था ये विलेज। एंड देन गाइस थोड़ा बहुत हम लोग वहाँ पर लूट भी कर लेते हैं। एंड गाइस प्लीज़ मेरा आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं सो के उठ के जस्ट वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। डेट्स वाई तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा बहुत लूट भी मचाते हैं। वहाँ वैसे उतना कुछ खास लूट तो नहीं होता, इवन तक एक आयरन वायरन भी उतना कुछ नहीं रहता, बस वहाँ काम का चीज़ होता है हेबल्स, तो हम लोग हेबल्स कलेक्ट कर लेते हैं वहाँ से। एंड फिर गाइस हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई यही विलेज अच्छा है, तो हम लोग वहाँ भी बेड है, तो हम लोग वहाँ पर बनाते हैं अपना घर। और एंड गाइस आपको कुछ खतरनाक चीज़ दिखा रही है, वही थी आप समझ ही गए होगे ये क्या है। हम लोग माइनिंग कर रहे थे, देन हम लोग को ये मिला मनन भाई, लोगों ने मेरे को बुलाया यहाँ पर, चलो भाई थोड़ा देखते हैं वार्डन का एरिया करके। तो मैं आया एंड नीचे देख रहे हो ना, वहाँ फाइट चल रहा है भाई, फाइट नहीं चल रहा मतलब सोट आ जाए देखो वहाँ पर सब, हम मनन भाई और चीनू दोनों मर गए थे एंड सिर्फ मैं बचा था। तो मैं डिसाइड करता हूँ वहाँ से निकलूँगा एकदम, मैं जैसे ही ब्रिजिंग करता मैं शांति से ब्रिज कराया ताकि उसको पता ना चले कि मैं यहाँ पर हूँ करके। बट मेरे को उसका ब्लाइंडनेस लगा पड़ा था एंड उसको आई डोंट नो उसे पता कैसे चला भाई कि मैं यहाँ पर हूँ करके, एकदम उसको शांति से ना उसको हाँ फाड़ में छोड़ दिया। मैं एकदम घबरा गया था भाई कि अब मैं आगे क्या करूँ, क्या कदम, मेरा तो भाई पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। मैं अपने घर में रिस्पॉन हो जाता हूँ जो हम लोगों ने सामान पर हमें बनाया। एंड थोड़ी देर बाद मेरा दिमाग खराब हुआ, एक और बार मरने के बाद ना गाइस मैं अपना उठा लेता हूँ डायमंड आर्मर एंड डायमंड का स्वॉर्ड एंड जाता हूँ उसको मारने के लिए। आप लोग देखो होता क्या है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर नीचे में ये भी वो बन, आप लोग देखते रहो ना क्या क्या होता है मेरे साथ। इस बंदे ने बहुत दिमाग ख़राब किया मेरा इस बार तो,
एंड इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी हुए हैं। ऑलराइट गाइस, तो पिछले बार का रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, बट हुआ मेरे साथ ये है कि गाइस मैं मर गया था वहाँ पर उसके वही सोनिकली चार्ज्ड बूम की वजह से। एंड गाइस मैं वहाँ पर मर गया था। एंड देन गाइस हम लोग चले जाते हैं वहाँ पर वेस्टर्न में, वेस्टर्न से हम लोग थोड़ा बहुत लूट लाते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत ट्रिम्स भी लेके आते हैं। एंड मैं मनन भाई को इसको डबल करने के लिए दे देता हूँ, उनको बहुत सारे 14 गोल्ड ब्लॉक भी मिल जाते हैं। जब तक मनन भाई डबल करें मैं आपको स्टोरी बताता हूँ वहाँ पर होता क्या है। सो गाइस बेसिकली वहाँ पर ना वार्डन ना मेरे को पता नहीं कैसे तो सेंस कर लेता है, और मेरे को नीचे जाने से पहले ही वो अपने सोनिकली बूम चार्ज जो भी बोलते हैं उससे मार देता है, जिसकी वजह से मेरा पूरा आर्मर भी डिस्पॉन हो जा रहा है डायमंड का। एंड मतलब समझ रहे हो ना, मेरे को फिर से ये सब बनाना पड़ेगा। एंड ये जो डायमंड का चेस्टप्लेट देख रहे हो ये मनन भाई ने मेरे को दिया है। एंड जो लेगिंग्स था ना वो मैंने बेस्टन से थोड़ा बहुत लूट करके आया। मतलब ना हम लोग जिधर नेदर पोर्टल है वहाँ एक बेस्टन है, मैंने भले वीडियो नहीं बनाया बट वहाँ से किया लाया। एंड कस बात ब्रूट की, तो ब्रूट लोग मेरे को मिले नहीं, ब्रूट लोग ऊपर वाले फ्लोर में थे क्योंकि हम लोग ऊपर वाला फ्लोर लूटा नहीं, तो सामान मेरे पास है, मैं ऊपर वाला नहीं लूटा था। मनन भाई भी थे लेकिन मनन भाई लूट गए तो ऊपर वाला मर भी गए, ऐसा हुआ कुछ। ये लो भाई मनन भाई ने डबल भी कर दिया है। एंड जल्दी से मैं जाके इसको रखता हूँ। अब हम लोग अपना आर्मर को नेदराइट भी कर सकते हैं वैसे तो, बट इसके लिए हम लोग को नेदराइट इंगट भी चाहिए। हाँ भाई चलो रखो इसको यार, इट्स नॉट आर्मर ट्रिम। हाँ हो गया, अब ऐसे सब हो गया भाई, अब मेरे भाई को भी चाहिए होगा। और एड दोस्तों ये हम लोग करना है बुक सेल्फ, जिसके अंदर हम लोग बुक्स स्टोर कर सकते हैं, बट अच्छा ही है भाई वैसे। और एड गाइस देन मैं वापस से आ जाता हूँ बेस्ट में। एंड मेरे साथ कुछ ये होता है, मैं भाई थोड़े लूट मचाने के लिए आता हूँ, बट मैं ये कोई भूल जाता हूँ कि एक्स मान पड़ने के बाद शील्ड डीएक्टिवेट हो जाता है। भाई साहब पूरा बेइज्जती हो गया था मेरा। ऑलराइट गाइस देन गाइस मेरे पास सब खत्म हो चुका था, इवन आयरन तक खत्म हो चुका था। तो पुराने वाले विलेज के आयरन फार्म आ जाता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा आयरन में अपग्रेड करना था खुद को, एंड वहाँ से आयरन कलेक्ट करता हूँ। एंड देन गाइस मैं चले जाता हूँ थोड़ा क्ले कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट हम लोग को डायमंड आर्मर और डायमंड का स्वर्ड चले गया था, तो हम लोग को बहुत सारा एन्चेंटमेंट चाहिए था। एंड वहीं पर एक बंदा फॉर्चून भी दे रहा था, सो मेरे को उससे ट्रेड करने के लिए बुक्स भी चाहिए थे। एंड गाइस मैं पूरा एन्चेंटमेंट प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मनन भाई ने जॉम्बी फार्म में पहले ही विलेजर हॉल छोटा सा बना के रखा था। आई मीन जॉम्बी हॉल में उन्होंने क्योर वाले जॉम्बी फार्म में क्योर वाले विलेजर्स को लाइब्रेरियन बना के रखा हुआ था, वो उन लोग के पास वो सब प्रोटेक्शन प्रोटॉन्स दे रहे थे वैसे भी। एंड देन गाइस मैं अपने घर में बहुत सारे एन्चेंटमेंट रखा रहता हूँ। एंड फॉर्चून टू फाइनली एक खरीद लेता हूँ, क्योंकि एक मेरे पास पहले से घर में पड़ा है भाई, मतलब क्योंकि मेरे को बहुत पहले मिल चुका था। एंड नेक्स्ट डे मैं निकल जाता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को अच्छा खासा चीज़ तो मिल जाता है। एंड आई थिंक उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ जल्दी से। एंड ये देखो भाई इसका थोड़ा टेक्सचर भी चेंज हो गया है। एंड देन गाइस मैं आ जाता हूँ वापस अपने घर, थोड़ा बहुत एन्चेंटमेंट करता हूँ। एंड भाई यहाँ पर मेरे को मनन भाई ने थोड़ा एक ब्लॉक डायमंड भी दिया है वैसे तो, आपको दिखा दूँ। एंड अभी जल्दी से इसमें मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसको डबल भी करना है ना। आई मीन मनन भाई ने पहले दिया था वैसे एक ब्लॉक डायमंड, ये तो अभी का है, मैं इसको डबल कर रहा हूँ क्योंकि नेदरराइट अगर मेरे को थोड़ी चाहिए। लेट्स गो, ये हो गए हमारे दो नेदरराइट, इसको थोड़ा और बढ़ा देते, चार हो जाएगा आई थिंक। एंड गाइस बैकग्राउंड में जो टिक टिक का साउंड भी कभी कभार आ रहा है ना, उसको अवॉइड करो, पता नहीं मेरे माइक्रोफोन से कैसे ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ऑलराइट ऐसे यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 60 डायमंड बचे भाई, पता ही नहीं चले इतना जल्दी ख़त्म हो गया मेरे पूरे डायमंड। एंड चलो अब चलते हैं, अब क्या करना है हम लोग को। इलाइट्रा भाई हटता भाई, मेरे बेड में सो रहा है तू, हट जा। एंड आई नो गाइस अभी भी बता रहा हूँ मेरा वॉइस थोड़ा भारी आ रहा है, सो प्लीज़ उसको इग्नोर करना यार, मैं सो के उठ के बना रहा हूँ क्योंकि स्कूल चालू हो गया तो टाइम नहीं मिल पाता है बनाने के लिए। एंड बैकग्राउंड में भी उसको चिल्लाने का साउंड आ रहा होगा बच्चे लोग क्योंकि खेल रहे हैं, डेट्स व्हाई। सो गाइस सबसे पहले तो मैं अपना नेदरराइट को पिकैक्स को अपग्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक नेदरराइट इंगट रहता है। आप पूछोगे कहाँ से, तो भाई मेरा भाई है ना जो चीनू, उसने मेरे को एक नेदरराइट इंगट दिया है भाई, उसके पास बहुत पैसा है इसलिए उसने मेरे को दिया है। एंड चलो गाइस एक बार ट्राई करते हैं कि स्मिथिंग टेबल में कैसे लगेगा ये। वेट मेरे को कुछ चाहिए होगा यार ओर्स, और रेड गाइस तो हम लोग इसमें डालते हैं। रेड स्टोन नहीं भाई, रेड स्टोन बहुत बेकार लग रहा है, रेड स्टोन का उतना अच्छा नहीं लग रहा है, रेड कलर में उनको पसंद नहीं आ रहा पता नहीं। एंड ये अच्छा लग रहा है भाई, एकदम थोड़ा अलग फीलिंग आ रहा है, मतलब ठीक ठाक ही आ रहा है। एंड अगर मैं इसका ट्रिम को चेंज करूँ तो, और हेलमेट में तो फिलहाल के लिए उतना पता नहीं चल रहा है, और ट्रिम चेंज करके देखते हैं एक बार। हेलमेट में तो अभी भी उतना खास नहीं लग रहा है, एंड अच्छा लग रहा है बट कम है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा उतना पसंद नहीं आ रहा। एंड ऑलराइट गाइस एक और बार बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड करना। एंड
आई थिंक गाइस मैंने गलती से ना अपने सस्ते वाले डायमंड लेगिंग्स लगा दे, कोई बात नहीं। एंड गाइस मैं जल्दी अपना आर्मर को एंचेंटमेंट कर लूँगा, वैसे मैं उसको वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक तो पूरा मैक्स लेवल हो जाएगा मेरा आर्मर। ऑलराइट गाइस, उसके बाद मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट नेदर में। मेरे भाई ने थोड़ा बहुत बैठ दिया था जिससे कि हम दोनों वहाँ पर एंशिएंट डेब्रिस ढूंढे, सो मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट नेदर में एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने के लिए। एंड मैंने बैट बैट फोड़ा तो थोड़ा बहुत एक दो एंशिएंट डेब्रिस मेरे को मिल भी गया भाई वहाँ से लकी। वैसे मेरे पास ज़्यादा बैट तो नहीं थे बट मेरे भाई ने थोड़ा बहुत दिया। एंड मेरे को याद आता है कि मैं नेदरराइट का पिकक्स नहीं लाया। एंड गाइस वहाँ एक एंशिएंट डेब्रिस नहीं, दो रहते हैं, और मेरे भाई ने मेरे लिए नेदरराइट का पिकक्स भी ला दिया था। एंड जल्दी से जाकर मैं उसको कलेक्ट करता हूँ गाइस, क्योंकि अब हम लोग के पास दो एंशिएंट डेब्रिस हो चुके थे फाइनली। फर्स्ट ये हम लोग पहली बार एंशिएंट डेब्रिस मिल रहे थे, मतलब सर्वर मिले तो थे बट कलेक्ट नहीं किया था मैं आज तक। मेरे आई मीन मनन भाई और ये मेरे भाई ने ही कलेक्ट किया था। देन मैं थोड़ा बहुत और ढूंढा बट और तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं थे। एंड देन गाइस मैं मेरे भाई को पता नहीं कैसे बोलता है कि इधर भी माइन करके देखो, इधर भी रखो, जो मिलता है उसको बहुत बार मिला इधर एंशिएंट डेब्रिस। एंड लकीली मिल भी जाता है भाई एंशिएंट डेब्रिस, हम लोग को वहाँ से दो एंशिएंट डेब्रिस मिलते हैं, दो या तीन मिले मेरे को भी याद नहीं अच्छे से, मैं देख भी नहीं पाया था अच्छे से। तो मैं एक अपने भाई को देने का सोचता हूँ, सो क्योंकि भाई उसी वजह से तो मिला है, मैं तो सोच रहा था पूरा रख लेता हूँ लेकिन फिर बोला अच्छा दे देता हूँ। ऐसे हम लोग दो मिले थे यहाँ से। ऑलराइट गाइस, देन मैं आ जाता हूँ घर पे अपने वाले और थोड़े बहुत एंशिएंट डेब्रिस में मेल्ट भी कर लेता हूँ जल्दी से। एंड हम लोग के पास हो चुके थे टोटल तीन एंशिएंट डेब्रिस। एंड मैं अपना लास्ट वाला स्क्रैप ढूंढ रहा था बट मेरे को याद आता है लास्ट वाला स्क्रैप का तो मेरे भाई ने एंशिएंट डेब्रिस बना दिया। वेट अ मिनट, सॉरी गाइस, कुछ नहीं कुछ नहीं, सही है सब। एंड आई थिंक सब तो सही सा मल्लामत। एंड देन गाइस मैं आ जाता हूँ अपने भाई के सीप फार्मिंग, क्योंकि मेरे को बहुत सारे वूल चाहिए थे जिससे मैं बेड बना सकूँ। एंड लिटरली मैं बहुत सारा बेड बना के डायरेक्ट चले जाता हूँ नैदर में, थोड़े फायर रेसिस्टेंस के पोशन भी ले लेता हूँ ताकि मैं मरूँ ना। एंड चले जाता हूँ नैदर में। एंड मैं अपना पिकैक्स भूल गया भाई एक मिनट। और नैट गाइस मैं अपना पिकैक्स भी लेके आ चुका हूँ नैदर में। एंड लेट्स गो नैदर में। एंड गाइस जो काइन मास्टर का ऊपर वो लोगो आ रहे हैं ना गाइस, मैं बता दूँ मैं एडिटिंग काइन मास्टर से ही करता हूँ। एंड देन गाइस मैं जल्दी से चला जाता हूँ क्योंकि गाइस मैं अपने पोर्टल के पास मेरे भाई लोगों ने और मनन ने क्या भाई ने और मनन ने बहुत सारा माइनिंग किया, तो मैं थोड़ा दूर चले जाता हूँ ताकि उधर कुछ ब्लास्ट पहले से ना हुआ हो। देन चले जाता हूँ गाइस मैं उधर से दूर। एंड गाइस मेरे को एक अच्छा से स्पॉट भी मिल जाता है जहाँ पर मैं माइनिंग कर सकूँ। एंड जल्दी से मैं थोड़ा 15 वाले लेवल में पहुँचने के बाद थोड़े से यहाँ पर एक स्पॉट बना लेता हूँ जहाँ पर माइनिंग कर सकूँ। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने डिग कर लिया, मैं जल्दी से बैड ला लेता हूँ अपने। वैसे बहुत बैड है भाई मेरे पास, वूल भी एक्स्ट्रा पड़ा है बहुत सारा। हाँ यहाँ पर बेड प्लेस करो, आई थिंक मिल जाएगा एंशिएंट डेब्रिस, थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा अच्छा खासा वहाँ से। यहाँ से ये हुआ, ये मिला कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं है वैसे तो, कुछ नहीं है। लावा आ रहा है, लावा ब्लॉक करना पड़ेगा। एक मिनट, बहुत तो यहाँ पर वो है यार, आई थिंक मेरे को तो बहुत कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। चलो अब नेक्स्ट बेड भी जल्दी से फोड़ते हैं यार। एक मिनट, इधर एक काम करता हूँ, इधर प्लैंक लगा देता हूँ कि मेरे को पता रहे कि इधर से एग्जिट है करके, क्योंकि इसमें पता भी नहीं चलता कि इधर से एग्जिट है। नेक्स्ट बैड, अभी गाइस हम लोग को इस लावा को पहले बंद करना पड़ेगा यार। एक मिनट, यहाँ से ऊपर जाता हूँ, इसको बंद करो, ये ब्लॉक कर दिया मैंने लावा को। अब चलते हैं थोड़ा आगे एंड थोड़ा और माइन करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा इसको क्या बोलते हैं यार, एंशिएंट डेब्रिस मिल गया है। एक एंशिएंट डेब्रिस जो कि मेरे को ब्लास्ट करने से मिला था, आई मीन ये मतलब वही वाला जो ब्लास्ट किया ना वहाँ से मिल गया था मेरे को एंशिएंट डेब्रिस। ऑलराइट गाइस, हम लोग का नेक्स्ट बैड एंड नथिंग, कुछ नहीं मिला भाई यहाँ पर भी। तो चलो अपना अपना थर्ड बेड भी जल्दी से फोड़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं पहले जल्दी से। ऑलराइट गाइस, ये थर्ड बेड है अपना और ये आई मीन हमारा, ओ भाई एक एंशिएंट डेब्रिस मिल गया, नाइस। चलो अब इसको जल्दी से कलेक्ट करते हैं, वैसे जलता तो नहीं है तो कोई डर नहीं है, ये हो गया। हम लोग फाइनली गाइस अब दो एंशिएंट डेब्रिस हो चुके हैं एंड थोड़ा अब वापस और करते हैं थोड़ा माइनिंग। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग यहाँ पर एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिला इस बार में, तो इस बार आई होप मिला हो। नहीं मिला इस बार भी भाई, क्या है यार, मिल का है नहीं रहा है इस बार। दिख जा भाई, कुछ नहीं है भाई, तीन बेड हो गया भाई, अभी तक मिला क्यों नहीं, लगातार तीन बेड फोड़ दिया ये। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मेरे को एक एंशिएंट डेब्रिस मिल गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं उसको कलेक्ट करता हूँ बट उससे पहले मैं मर जाऊँगा लग रहा है। नहीं 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 मरूंगा, बच गया बच गया, पी ले ऑलराइट गाइस, पोशन पी लिया एंड थोड़ा फूड भी ले लेता हूँ अपने हाथ में, थोड़ा फूड खा लेता हूँ यार, मेरा हेल्थ गंदा वाला चले गया। तो मेरे पास दो एंशिएंट डेब्रिस थे एंड गाइस यहाँ पर थोड़े दो एंशिएंट डेब्रिस और हैं, दो नहीं भाई तीन है आई थिंक, नहीं दो ही है, एक यहाँ पर और एक इधर, एक ही वाला एंशिएंट डेब्रिस। ऑलराइट, सो कलेक्ट करो जल्दी से, लेट्स गो। अब फास्ट फॉरवर्ड करने का टाइम आ गया वीडियो को।
ऑल राइट गाइस, तो मेरे पास अभी हो चुके हैं 8 एंशिएंट डेब्रिस टोटल, एंड अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने, क्योंकि गाइस मेरे भाई के पास, भाई जिस एरिया में माइनिंग कर रहा है वहाँ पर भी जाना है, क्योंकि उसके पास पिकैक्स नहीं है अभी तक मेरे तक। ऑल राइट गाइस, तो ये मेरे अपने भाई के लिए मैं तोड़ दिया एंशिएंट डेब्रिस उसके माइन में, और ये उसने मेरे को एक ऐसा गिफ्ट प्रोवाइड किया है क्योंकि मैं उसके पास आ गया था, उसके पास पिकैक्स नहीं था तो मैंने उसका हेल्प कर दिया था, तो उसने मेरे को एक एंशिएंट डेब्रिस भी दिया। तो चलो गाइस, हम लोग बस बहुत सारा बोले तो हम लोग यहाँ भी थोड़ा बहुत एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग कर लेते हैं क्राफ्टिंग रूम। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग को यहाँ पर बैठ पड़ा, एंड भाई यहाँ तो फर्स्ट ही बार मिल गया दो एंशिएंट डेब्रिस। भाई साहब ये जगह थोड़ा ठीक है भाई, उस माह तो मिल भी नहीं रहा है। ये हो गया अपना 10वां और ये हो गया अपना 11th एंशिएंट डेब्रिस। ऑल राइट गाइस, अरे एक और है भाई, क्या हो रहा है भाई, किस्मत तबाही है भाई। ऑल राइट गाइस, हम लोग यहाँ पर अपना नेक्स्ट बैट फोड़ा है, एंड मेरे को यहाँ पर दो एंशिएंट डेब्रिस है यार। यहाँ तो मेरे पास अभी 12 एंशिएंट डेब्रिस हो चुके हैं, और ये 13 एंड 14 हो जाएगा आई थिंक। सो 13th वाला ये था, एंड 14th वाला को मैं ऐसा करता हूँ ना, अरे एक और, अरे किस्मत भाई, दो एंशिएंट डेब्रिस एक साथ यार, क्या बात है भाई, क्या बात है। एक तो हम लोग अपने, ऑल राइट गाइस, ये मैं अपने भाई को ले रख दिया क्योंकि वो मेरे को एक दिया था, तो इसको वापस कर दे रहा हूँ जितना भी है। ये ले भाई तू कलेक्ट कर ले, एक तो हो गया सब कुछ। ऑल राइट गाइस, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर मैं घर में आ चुका हूँ, मैंने अपने एंशिएंट डेब्रिस को मेल्ट कर लिया, एंड मैं थोड़ा बहुत इधर क्या बोलते हैं अपना आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट। मैं अपने लिए ऐसे एक जगह सोच रहा हूँ जहाँ पर मैं फार्मिंग कर सकूँ, एंड भाई भाई गलत जगह पहुँच गया। निकलो भाई निकलो। हाँ, मैं एक जगह ढूंढ रहा था जहाँ मैं फार्मिंग करूँ, बीट वीट उगाऊँ। यहाँ पर ठीक है, यहाँ थोड़ा वाटर पकड़, नहीं नहीं भाई यहाँ नहीं, मेरे को एक जगह मस्त पता चल गया भाई, वहीं चलते हैं हम डायरेक्ट। लाइटर लेना पड़ेगा लेकिन उसके लिए, क्योंकि हम लोग के पास ब्रेड का कमी है, इसको कलेक्ट करूँ, क्योंकि कैसे हम लोग के पास ब्रेड का कमी है, दैट्स वाई हम लोग को थोड़ा फार्मिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास फूड का भी कमी होता जा रहा है भाई, अब क्या बोलोगे। एंड ये रहा मेरा डायमंड आर्मर, एंड ये हम लोग के पास हो गए टोटल 18 स्क्रैप। भाई साहब इतना स्क्रैप है भाई अपने पास, आराम से बन जाएगा बहुत कुछ। थोड़ा गोल्ड भी चाहिए था मेरे को, वैसे ब्रेड बना लूँ, एंड गोल्ड आयरन पड़ा है यहाँ पर, एक थोड़ा बहुत गोल्ड भी चाहिए यार मेरे को। ये साउंड कर रहा है भाई, अरे एक पिकैक्स बनाना था वैसे तो मेरे को, तो बना लूँ क्या। ऑल राइट गाइस, से मैंने थोड़ा बहुत गोल्ड कलेक्ट कर लिया, एंड टोटल अपने पास हुए 4 नेदराइट स्क्रैप, नेदराइट इंगट। तो हम लोग इससे अपना पूरा आर्मर को कन्वर्ट कर सकते हैं नेदराइट में, एंड बाकी को मैं ब्लॉक ऑफ गोल्ड बना के वापस अपने सल्कर बॉक्स में स्टोर कर लेता हूँ जल्दी से। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने जल्दी से इसको अपने नेदराइट में ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। ये डाला नेदराइट अपग्रेड, एंड ये रहा अपना नेदराइट का चेस्ट, एंड इसको एक काम करता हूँ मैं, मेरे पास, अरे भाई नेदराइट अपग्रेड ख़त्म हो गया मेरे पास, एक मिनट। मेरे पास डायमंड है ना, कितना डायमंड है भाई, 60 डायमंड है भाई, मतलब मेरे को डायमंड माइनिंग करने जाना पड़ेगा। टैम्पलेट नेदराइट ऑफ टैम्पलेट, नेदराइट स्मिथिंग टैम्पलेट है उसके लिए, नेदराइट अपग्रेड बोल रहा हूँ भाई, स्मिथिंग टैम्पलेट बोलते हैं इसको, सॉरी। मैं इसमें जल्दी से अब इसको डालता हूँ हेलमेट को, ये हो गया अपना हेलमेट, एंड अब मैं आई थिंक मैं टैम्पलेट, अरे मेरे पास एक और टैम्पलेट है भाई, वेट, एक और टैम्पलेट पड़ा हुआ है, तो फिर मैं कर सकता हूँ अभी इसको भी। ये बाकी का नेदराइट इंगट को स्टोर कर दो, एंड अब मैं इसको आई थिंक करूँ या नहीं करूँ यार, एक काम करता हूँ, कर लेता हूँ सोच रहा हूँ मैं, तो कितने ही टाइम तक रहूँगा, कर लेता हूँ एक ठोक और कर लेता हूँ, बाकी को मैं बचा के रखता हूँ आगे चल के काम आएगा। इसको लेगिंग्स तो करना है अभी तो फिलहाल, ये डाला लेगिंग्स, ये डाला नेदराइट अपग्रेड, ये डाला स्मिथिंग टेबल, अरे यार स्मिथिंग अपग्रेड, सॉरी। ऑल राइट दोस्तों, अपने पास हो चुका है पूरा ये जो नेदराइट का चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स एंड हेलमेट हो गया, बस बूट्स बचा है, क्या बोल रहा हूँ यार मैं अभी। सो ऑल राइट दोस्तों, बस बूट्स बचा है अपने पास अभी, अपन नहीं भाई, अभी हम लोग को, मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं कौन से एरिया का बात करूँ जहाँ पर मैं फार्मिंग करूँगा, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, मेरे भाई को, भाई ने मेरे को यहाँ पर पता है क्या दिया है, एक मिनट दिखा रहा हूँ तुम लोग को, मेरे भाई ने मेरे को दिया है यहाँ पर एक नेदराइट का इंगट, मेरे भाई ने मेरे को एक नेदराइट का इंगट दिया है, जिसको मैं लगा सकता अपने बूट्स में। बूट्स को कलेक्ट करो, एंड आप स्मिथिंग टेबल ऊपर है ना लेफ्ट साइड का, स्मिथिंग टेबल में डालने को बूट्स एंड स्मिथिंग अपग्रेड एंड नेदराइट इंगट। ऑल राइट, ये हो गया हम लोग का बूट। ऑल राइट दोस्तों, हम लोग पूरा आर्मर फाइनली जाके हो चुका है नेदराइट का, एंड थैंक यू मेरे भाई को, थैंक यू क्योंकि उसने मेरे को नेदराइट इंगट एक दिया, वैसे एक दिया, एक नहीं भाई उसने मेरे को दो दिया, नहीं एक ही दिया था शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक ही दिया था, हाँ हाँ हो गया। ऑल राइट दोस्तों, मेरे पास साफनेस जो मेरा एक्सेस, हम लोग भी जल्दी ही आर्मर, ये देखो भाई, सो आई थिंक वीडियो एंड करने का टाइम हो गया। चलो गाइस, आज के सारे वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वाचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीवन, एंड देखते हैं एक बार ट्राई करके।